आप सब लोगों ने कितने सारे सैंडविचेस खाए होंगे घर पे बना के, मार्केट में जाके या फिर कैफे में जाके, और बस आप लोग मार्केट वाले सैंडविचेस का ही स्वाद याद रख पाते होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल मगर बेहद टेस्टी सैंडविच की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, माई हस्बैंड लंच बॉक्स रेसिपी एपिसोड 47 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे हस्बैंड का लंच ऑफिस में ही है, तो मैं उनके लिए आज एक खास लेकिन बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जो है आलू स्टफ सैंडविच। आप इसे बोल सकते हैं पोटैटो सैंडविच। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉईल करे हुए आलूओं को छील के ले लिया है। इन्हें मैं ग्रेट करके यूज करूंगी, आप मैश करके भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे छील लिया है। एक छोटे सा शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने अच्छे से उसके अंदर की बीज वगैरह निकाल के उसे इस तरीके से पहले लंबा कट करके फिर इसका और भी ज्यादा टाइनी चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे धनिया की पत्तियां मैं चॉप कर रही हूँ। धनिया थोड़ा सा गीला था इसीलिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग जार में हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, यहाँ पे रोस्टेड करी हुई है चने, साथ में नमक और चाट मसाला डाल के और ठंडा पानी का यूज करके बना ली है सैंडविच वाली ग्रीन चटनी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और अच्छी लगती है। सैंडविच के लिए तो खास इसी चटनी का यूज किया जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस चटनी को आप एयर टाइट बॉक्स में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये चटनी हो गई है रेडी सैंडविच के लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे आलू स्टफिंग की तैयारी। तो गैस को मैंने कर दिया है ऑन, एक नॉनस्टिक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक छोटा सा चम्मच डालेंगे इसमें हम कुकिंग ऑयल, साथ में एक चम्मच डालूंगी मैं बटर। ऑयल बटर को जलने से बचाएगा इसीलिए मैंने ऑयल थोड़ा ही लिया है। फिर इसको मैंने मेल्ट किया। एक छोटा चम्मच डाला मैंने जीरा, जीरे को हल्के से करा सौते जिससे कि इसका चटकना उसमें बटर में रुके नहीं। अब यहाँ पे जो चॉप करा हुआ प्याज था वो मैंने डाल दिया है। फ्लेम को देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज को हल्का सा सौते करा। इसमें डाला धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैंने हल्दी नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मसालों को थोड़ा सा ही भूना। फिर इसमें मैंने 5 आलू को ग्रेट करके ले लिया है। इसमें डाला है नमक। नमक के साथ मसाले को आलू में मिक्स करूंगी मैं पहले अच्छी तरीके से। इसके बाद ही मैं इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी थी, हरा धनिया, साथ में डाल दिया ये मैंने काली मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला, और अब इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इससे जो स्टफिंग का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा। स्टफिंग को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से, जब तक इसमें ये डो फॉर्म ना होने लग जाए तब तक आप चला लीजिए, और फिर इसको एक प्लेट में उतार के अच्छे से ठंडा कर लीजिए जिससे कि स्टफिंग ठंडी होगी तो ये ब्रेड में अप्लाई अच्छे से होगी। चलिए इसको साइड रखूंगी। अब यहाँ पे मैंने ले ली है ये सैंडविच वाली ब्रेड, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड ली है। आप इसको और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो 2 ब्रेड मैंने ली है स्टार्टिंग में। अब इसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ ये बटर। आप सॉल्टेड बटर का यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर का यूज किया है। अब बटर को अच्छे से लगाने के बाद एक साइड में लगाऊंगी ये सैंडविच वाली ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी सचमुच बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है सैंडविच में। तो इसको अच्छी तरीके से इवनली फैला लिया है। अब दूसरे वाले ब्रेड साइज में मैं लगाऊंगी टोमेटो केचप। आप यहाँ पे मेयोनीज का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ और आपको पसंद है तो वो भी आप लगा के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक साइड आलू की स्टफिंग को डाल रही हूँ। अगर आपको चीज स्लाइस खाना पसंद है तो आप आलू की जो लेयरिंग है ना वो बिल्कुल पतली पतली दोनों साइड लगा के बीच में चीज स्लाइस लगा सकते हैं। अच्छे से मैंने इसको कर दिया है, एक दूसरे के ऊपर मिला दिया है, हल्का सा इसको दबा भी दिया है जिससे कि आलू की स्टफिंग दूसरे वाले ब्रेड को अच्छे से होल्ड कर ले। फिर ऊपर साइड लगाया है मैंने बटर, और बटर मैंने बिल्कुल कोने कोने तक अच्छी तरीके से अप्लाई करा है जिससे ब्रेड में ना क्रंचीनेस बराबर से आ सके। अब इसी तरीके से आप सारे सैंडविचेस बना के रेडी कर लीजिए। इस सैंडविच की एक खास बात आपको मैं ये भी बता दूं कि इसको आप रात को बना के भी
स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट बॉक्स में। जब भी आपको इसको बनाना हो तो बस निकालिए और सेक लीजिए, चाहे तो ग्रिल कीजिए चाहे तो टोस्ट कीजिए। ये सैंडविच बहुत जल्दी बन जाएंगी और आपका समय भी बचेगा। तो ये सैंडविच रेडी कर लिए हैं मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक ग्रिल पैन को करा है गर्म, हल्का सा उसकी स्ट्रिप में लगा दिया है बटर। अब जिस साइड मैंने बटर अप्लाई किया था उसको मैं रखूंगी पहले ही नीचे साइड, जिससे इसमें जो इसकी स्ट्रिप्स है ना वो बहुत ही अच्छी आए। अब बटर मैं ऊपर साइड भी अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं हस्बैंड के लिए चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि चाय कॉफी के साथ इस सैंडविच का मजा तो कुछ और ही आता है। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसे अलटते पलटते एक एक मिनट के लिए मैं साइड सेक लूंगी अच्छी तरीके से। अगर आप चीज स्लाइस का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे चीज मेल्ट होने तक ही सेकें। अब यहाँ पे सैंडविच बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे सैंडविच बना लेंगे। और यहाँ पे पहले मैं एक सैंडविच को आपको कट करके दिखाती हूँ, जो कि सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। इसकी स्ट्रिप देखिए कितनी बढ़िया, कितनी दमदार सी लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया। ना ही मैंने ग्रिल सैंडविच का यूज करा जो आता है महंगा वाला, सस्ते से ग्रिल पैन में ही ये कितना टेस्टी सा कैफे स्टाइल सैंडविच बनके तैयार हो गया है। सर्व किया है मैंने इसे केचप के साथ, टोमेटो केचप के साथ, और साथ में मैं अपने हस्बैंड के लिए दे रही हूँ चाय। आप कॉफी भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट सीरीज पसंद आया होगा। अच्छा लगा है ना तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके कोई भी कीमती सुझाव हो मेरे इस चैनल के रिगार्डिंग तो प्लीज मुझे साझा करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।